वेलकम बैक दोस्तों। अब दोस्तों इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने डिस्प्ले का जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका मैंने एक बैकग्राउंड लगा के रखा हुआ है। तो गाइस अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ तो चलिए वो चीज़ हम जानते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप के ऊपर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा। इसमें दोस्तों आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आप यहां से पिक्चर चूज कर सकते हैं जो भी आपको अपने बैकग्राउंड में रखनी हो दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट 4 इमेज पहले से दी हुई है। अगर इसमें से आप कोई रखना चाहते हैं तो सिंपल आपको सिंगल क्लिक करना है और आपकी वो इमेज ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कोई अदर पिक्चर है, कोई दूसरी पिक्चर है जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसे ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी पिक्चर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे 15 नंबर की जो हमारी क्लास थी उसका थंबनेल मैं रख देता हूँ। आप देख सकते हैं ये थंबनेल मैंने रख दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्लास नंबर 20 चल रही है दोस्तों, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं 20 नंबर का भी थंबनेल रख सकता हूँ यहाँ पे। तो इस ओके दोस्तों कोई हमें जरूरत नहीं है, मैं बस आपको सिखा रहा था कि कैसे आप अपना थंबनेल अपनी स्क्रीन सॉरी अपना कोई भी बैकग्राउंड इमेज अपनी स्क्रीन पे कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। और बैकग्राउंड इमेज की दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो किस साइज की है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी डिस्प्ले होती हैं वो फुल एचडी होती हैं, तो उनके लिए आप नॉर्मल बैकग्राउंड का इमेज है उसका साइज आप रख सकते हैं 1920x1080 पिक्सल। एंड जो एचडी डिस्प्ले होती हैं उसके लिए दोस्तों आप 2080x720 पिक्सल साइज रख सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आप खुद का भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको फोटो एडिटिंग बहुत अच्छी तरह से आती हो, आप फोटो डिजाइन खुद कर सकते हो, तो इस साइज का आप अपने आप कोई ना कोई पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक डिजाइन करके रखा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप भी इसे ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।